थक गया है दोस्त, तो मैं भी थक गया। और देख रहा हूँ बॉल उसके ऊपर डाल रहा है, हरकत देखो उसकी, सर पे जूता रख रहा है उसके। मैक्स गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग लोहाघाट। हम अभी सुबह सुबह पहुंचे अपनी साइट पे और कल हम गए थे एबट माउंट। एबट माउंट के लिए बहुत ही कहानी है कि बहुत हॉन्टेड प्लेस है, ये है वो है, ड्राउनी भी लग रही थी कल हम जब गए, बट ऐसा कुछ है नहीं। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस एंड वहाँ पे कहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी के लिए ना वहाँ पे बहुत स्कोप है, मतलब बहुत चार्ज है उस जगह में। खैर इस बारे में कभी और बात करेंगे, अभी हम जा रहे हैं अपनी साइट पे, काम निपटाएंगे एंड आज शाम को हम जाएंगे घर वापस और मिलेंगे मैक्स और गोस्ट से। तो आई एम वेरी एक्साइटेड दोस्तों, ये है हमारी साइट एंड इट्स लुकिंग वेरी नाइस। मैं इतना थोड़ा दूर से देखना आया हूँ क्योंकि बीच में एक्चुअली सब घर वर है ना, दिखता नहीं है। सो इसमें अलग अलग ट्रीटमेंट हमने कर रहे हैं, ये हमने WPC यूज़ करा है, बहुत सुंदर मटेरियल है। एंड ये हमने देखो टाइल्स यूज़ करी हैं, अलग तरह के टाइल्स हैं, लुकिंग वेरी नाइस। एंड यहाँ पे हमारा पेंट आएगा, मतलब मल्टीपल चीज़ों से हमने मिक्स करके बनाया है सर, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही खुशी हो रही है दिल में ना देख के। ये हमारी मेन एंट्री है, देखो खूबसूरत वीनियर लगा हुआ है छत पे। ये लिफ्ट है हमारी, यहाँ पे बड़ा सा डोर आना है लकड़ी का एक। इस जगह पे ना दोस्तों जो हमारा ये एरिया है, यहाँ पे हम खूबसूरत से गणेश जी लगाएंगे या बुद्धा लगाएंगे और इसमें लाइट लगाएंगे जो इंडोर प्लांट्स को उगाने में हेल्प करती है। तो यहाँ पे असली हम फिर पौधे उगाएंगे, कितना अच्छा लगेगा एंटर करते हुए। आप एंटर कर रहे हो यहाँ पे बढ़िया से गणेश जी, और ये आप देख रहे हो ना, ये हमने पत्थर के ऊपर POP लगाई हुई है ताकि पत्थर खराब ना हो। ये पत्थर है ना हमारा, देखो अभी घिस जाएगा, है ना, घिसने का डर रहता है, तो इसके ऊपर हम ये POP डाल देते हैं ताकि ये सेफ रहे, प्लास्टर डाल देते हैं। तो ये हमारे हैं लिविंग रूम में, अब धीरे धीरे ये हमारा छोटा सा पाउडर रूम है, पूरा ब्लैक कलर का है भी। ये है दोस्तों हमारा लिविंग रूम, कल भी मैंने आपको दिखाया था पर आज और अच्छे से दिख रहा है। और ये जो वॉल है ना, ये वॉल इसका डिज़ाइन कुछ इस तरह का है, और अभी ऊपर काम चल रहा है इसलिए हमने यहाँ पे प्लाई वगैरह लगाई हुई है। ये हमारा स्टडी रूम है, तो यहाँ से इसका कनेक्शन है, ये किचन है, पूरा ओपन है, मतलब यहाँ से यहाँ बात हो सकती है, पूरा घर ना खुला हुआ है दोस्तों। और ये हमारा किचन है, ये हमारा पूरा किचन आ गया, ये किचन के बगल में ये हमारे डाइनिंग आ गया, किचन के हमारी एसेसरीज वगैरह सब लग चुकी है, किचन हमारा ऑलमोस्ट अब रेडी हो गया है। और ये सॉफ्ट क्लोज है, इसको ना आप जोर से ही बंद करोगे तो ये ऐसे सॉफ्टली बंद होगा, मेरे को दोबारा दिखाता हूँ, तेज बंद करोगे ये सॉफ्टली, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है, अब तो हर घर में आजकल लगती है ये। ये हमारा वॉशिंग एरिया है, सारे गंदगी बर्तन सब इधर ही धुलेंगे, किचन में गंदगी नहीं फैलेगी। और ये है हमारी फायर प्लेस, यहाँ पर हम जलाएंगे आग बढ़िया अपना, सर्दियों में मस्त, अभी सर्दियाँ आने वाली हैं। और इसके ऊपर स्टडी रूम है, वो दिखाता हूँ मैं आपको। तो हम जा रहे हैं अब स्टडी रूम में, ये है हमारा स्टडी रूम, बहुत ही डार्क और मूडी वाइब्स आएंगी इसमें, ऐसे ही कलर होंगे ग्रे कलर के। और ये सामने हमारा झूमर अभी जिस पर काम हो रहा है, ये झूमर की जंजीरें लटकी हुई हैं, इसे झूमर लटकेगा। एंड नीचे यहाँ से नीचे आप देख सकते हो, यहाँ से आप चाहो तो बात भी कर सकते हो नीचे। ये देखो चिड़ियों का झुंड कितना सुंदर लग रहा है, ओए ओए पेड़ों के पास उड़ता हुआ, ब्यूटीफुल। ये हमारी बालकनी है दोस्तों, व्यू देखो ना क्या अमेजिंग नज़ारे हैं दोस्तों। और सामने जो जंगल है ना, ये बहुत ही फैसिनेटिंग है यार, गजब ही जंगल है ये देखो। और ये बादल कितना खतरनाक दिख रहे हैं ना, काला सा एकदम, बिल्कुल बरसने वाला है जैसे बिल्कुल। दोस्तों देखो ये हमारा एक मास्टर बेडरूम है एंड बहुत ही, फ़ोन में तो अच्छे से आ नहीं रहा है, हमने इसमें ना वुड वर्क बहुत कराई है, एक्चुअल लकड़ी की फ्लोरिंग है, रियल वुड की, ये भी लकड़ी है, यहाँ पे लकड़ी की, यहाँ पर ना ठंड बहुत पड़ती है। और देखो ये मास्टर रूम है, और मास्टर रूम के साथ ही अटैच्ड हमारा वॉकिंग क्लोजेट है। वॉकिंग क्लोजेट एज द नेम सजेस्ट कि आप सीधे वॉक करते करते क्लोजेट में आ गए, ये पूरी अलमारियाँ हैं, ये हमारा मास्टर रूम है पूरा मस्त। कल इतना अंधेरा हो गया था ना, तो मैंने जो वीडियोस बनाए थे उनमें मज़ा नहीं आ रहा था, अब आपको दिखाता हूँ। देखो अब हम जा रहे हैं हमारे सेकेंड मास्टर रूम में, ये है हमारा सेकेंड मास्टर रूम, बहुत ही अच्छा लग रहा है, मतलब अभी तो आप लोग समझ नहीं पा रहे होंगे ना, अंडर कंस्ट्रक्शन है, ब्यूटीफुल धूप आ रही है। देखो यहाँ पर हमारा बेड आना है, तो हमने लकड़ी छुड़वा दी, लकड़ी वेस्ट हो जाएगी ना बेड के नीचे, और ये पूरी लकड़ी की फ्लोरिंग है मस्त अपना देखो। एंड ये हमारा ड्रेसिंग रूम, वॉकिंग क्लोजेट, ये हमारी अलमारी है पूरी दोनों साइड पे, एंड ये बड़ा सा वॉशरूम, यहाँ इतना यहाँ से वहाँ तक का पूरा बेसिन आना है बड़ा एकदम। नमस्ते भैया, नमस्ते, ये सीट फिक्स हो रही है। ये जो डिज़ाइन है दोस्तों इसके बीच में ना, ये सिल्वर की बिडिंग हमारी लगनी है ये, तो अब इसको ना हल्का हल्का काटेंगे उस पर लगाएंगे। एंड ये देखो लेदर फिनिश है, ये लेदर नहीं है बट लेदर फिनिश है, ये असली लेदर हम यूज़ नहीं करते कहीं पे भी अब। ये हमारा तीसरा बेडरूम है, ये ऊपर हमारी सीलिंग हुई हुई है, यहाँ पे भी हमने देखो ये फर्श छोड़ दिया है क्योंकि बेड के नीचे की जगह क्यों वेस्ट करें, पैसे वेस्ट क्यों करें। प्लस लकड़ी में दोस्तों ना बहुत ही वार्म होती है अंडर फुट, और यहाँ पर ठंड बहुत पड़ती है, बाकी अलमारी वगैरह
अरे छोटा सा क्यूट सा वॉशरूम। इस घर के ना सबसे अच्छी चीजों में मेरे को दरवाजे बहुत सुंदर लगे, ये जो फिनिश है ना दोस्तों, मतलब कितनी सुंदर लग रही है, तो गंदा भी हो रहा है ये बहुत, बट मेरे को बहुत पसंद आया। नहीं ये आ गए दोस्तों हम छत पे, यहाँ पे देखो ये ट्रांसपेरेंट रूफ भी, हमारा ट्रांसपेरेंट सिटिंग एरिया भी है धूप सेकने के लिए। एंड ये देखो भाई नज़ारे देखो, सामने जंगल देखो कितना तगड़ा जंगल है भाई, तगड़ा जंगल है बहुत ही, और नज़ारे देखो यहाँ से क्या अच्छे व्यूज़ है, क्या धूप आ रही है। एक्चुअली हमने ये एरिया सनबेथ करने के लिए बनाया है, मतलब धूप सेकने के लिए हिंदी में। और यहाँ पे हमारा पार्टी हॉल है, और पार्टी हॉल भी बहुत ही तगड़ा है दोस्तों। ये है हमारा पार्टी हॉल, तगड़ा। इसकी छत देखो यार कितनी क्रेजी लग रही है भाई। एक्चुअली लोहाघाट में घर बना रहा है, लोहाघाट के लोगों को ना लकड़ी से प्यार बहुत ज्यादा है, तो हमने भी कोशिश करी कि लकड़ी का काम ज्यादा कराएं। तो छत तो भाई बहुत ही अच्छी लग रही है, अभी तो उसमें फिनिशिंग होनी बची है। एंड यहाँ पे भी हमने बनाया ही, देखो ये ऊपर ट्रांसपेरेंट रूफ, अभी गंदी हुई है, साफ होंगी है ना, अभी फिनिश नहीं हुआ है, तो यहाँ से भी देखो अंदर धूप आ रही है। हर जगह धूप का इंतजाम करा है हमने, ठंडी जगह है ना। यही घर अगर दिल्ली में बनाया होता तो ये सब नहीं होता, दिल्ली या किसी और गर्म जगह पे ना, तो वहाँ पे तो धूप हमें काटनी है, यहाँ पे धूप हमें चाहिए, ये डिफरेंस है दोस्तों। जो छत है ना इसका, हमारा आइडिया यही था कि जो लकड़ी हमारी बचेगी उससे हम बनाएंगे, और तो बाद में थोड़ी बहुत लकड़ी इसमें ऐड करनी पड़ी, बट ये लकड़ी ऐसी थी जो बहुत यूज नहीं आती। बाकी यार ये देखो इस एंगल में देखो कितना सही लग रहा है, ये तगड़ा भाई साहब तगड़ा। दोस्तों ये है हमारा फ्रंट एलिवेशन, ये जो आप देख रहे हैं, तो इसमें एक्चुअली बिजली का पोल है, तो काफी मेहनत करके हमारे जो क्लाइंट है ना किसकवा दिया, अभी पोल है देख रहे हो, ये वाला पोल आप देख रहे हो, तो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा सेफ्टी वाइज भी और लुक वाइज भी। अभी इसमें भी हमारा था काफी कुछ काम होना है, बट जितना भी बना है ना अच्छा लग रहा है, आई एम हैप्पी। दोस्तों अब हम जा रहे हैं एक और बहुत ही एक्साइटिंग जगह लोहाघाट में, सो हम आए एक पहाड़ पे, और यहाँ पे अंकुर भैया की ना लैंड है, यहाँ पे कुछ प्लान कर रहे हैं, मतलब कुछ बढ़िया बढ़िया, तो देखने के लिए दोस्तों जो लैंड देख रहे हो ना पूरा, ये पूरा पहाड़ ये हमारे भैया का है, ये अंकुर भैया जी, और यहाँ पे प्लान कर रहे हैं हम सेब उगाने की, एग्रो टूरिज्म सॉर्ट ऑफ करेंगे, तो फिलहाल पहली प्लानिंग है सेब उगाने की भाई, इतना मज़ा आएगा। और जहाँ पे मैं हूँ ना भाई, यहाँ पे हिमालय का ऐसा व्यू आता है, अभी तो बादल लगे हैं ना, पर अभी मैं आपको एक क्लिप डालूंगा जो भैया ने शूट की थी एक दो दिन पहले, वो देखना आप, हिमालय के तगड़े दिखते हैं यहाँ से। दादी ठीक हो तुम? हाँ एकदम मस्त। पहाड़ चढ़वाए जा रहे तुमने बुला बुला के, अन्याय हो रहा है बेचारे के साथ यार, गलत हो रहा है। पर क्या लोकेशन है भाई, और पूरा पहाड़ भैया का है, क्या अल्टीमेट नहीं है, कोई सपना होता है यार लोगों का अल्टीमेट। भैया बता रहे हैं कि इनके वर्कर ना यहाँ पे दिखा था बंगाल टाइगर, यहाँ पे यूजुअली तेंदुए होते हैं, लेपर्ड्स टाइगर्स नहीं होते, बट यहाँ पे देखा था। ए भाग देखता है तो देख ले ये फयार से मोड़ में, यहाँ पकड़ी यार वो डर गई यार, देख लो धुग्गो ये तो निकल देखो। ये क्या भैया? आंवले। अरे वाह आंवला पेड़ था यहाँ पे नीचे, तो तोड़ लिया भैया। बिल्कुल वाइल्ड ट्रैक सा है, मजेदार एकदम, कांटों वाटों के बीच से ना फुल फील आ रही है। आंवला खा रहे हैं हम, मजा आ रहा है। और ओहो व्यू देखो भाई क्रेजी, नहीं नहीं गिरना मत दोस्तों, जो घास अनुराग को गिरा के व्यूज बढ़ाएंगे हम, ऐसा आरोप लगाएंगे हमें हिमालय इसके एक्सपोज्ड गिरते हुए उतरना ना ब्रो बहुत टफ होता है दोस्तों, एक तो दिख भी नहीं रहा ना घास में पैर कहाँ रख रहे हो देखो, और स्लिपरी अलग है, सूख गई है घास, कटाई का टाइम आ गया। चलो वीडियो बंद करके उतर लेता हूँ सेफली। आओ बाबा आओ बाबा आओ, टफ रास्ता है यह है, टफ थोड़ा मामला, बैठ के आ जाओ भाई सही है, तो वीडियो बन रहा है बैठेगा कहाँ देखो पानी पी रहे हैं मामला के बाद, अल्टीमेट भाई अल्टीमेट मजा आ रहा है, मीठा मीठा। तो सब हम वापस जा रहे हैं, और अब भैया को छोड़ देंगे लोहाघाट, और फिर हम जाएंगे पिथौरागढ़। दोस्तों हम निकल गए हैं अब लोहाघाट से, भैया लोगों को छोड़ दिया, और भाई बहुत मजा आया। तो दोस्तों हम इन खूबसूरत वादियों में आ चुके हैं, और दोस्तों अब हम जा रहे हैं फाइनली पिथौरागढ़, और हम मिलेंगे मैक्स गोस से, बहुत ही एक्साइटमेंट है। कल ही मैं आया हूँ और आज जा रहा हूँ, पर ऐसा लग रहा है पता नहीं कितने हफ्ते हो गए बच्चों से मिले हुए ना, ऐसे ही होता है यार बच्चों से ना मन नहीं भरता पता है, नहीं वो मैं आंवला है बाय द वे, गुटका मत समझना। दोस्तों हम पहुंच गए हैं पिथौरागढ़, और अभी हम ना एक्चुअली ये चेक कर रहे हैं कि जो एवरेज दिखाती है वो कितना एक्यूरेट है, तो ये कह रही है कि सिंस रिफ्यूल
गाड़ी ने दिया 11.1 किलोमीटर का एवरेज, हम चले 139 किलोमीटर, 4 घंटे में हमने डिस्टेंस कवर करी, 4 घंटे 40 मिनट में। ये हम एक बार चेक कर रहे हैं तेल दोबारा भरवा के। गाड़ी का हाल देखो दोस्तों कैसा हो जाता है यार जर्नी में ना, पर गद्दी होगा ना गाड़ी बड़ी अच्छी लगती है, बहुत मजा आता है देखने में ना गाड़ी को। अब देखते हैं भाई कितना तेल आता है इसमें, इससे बोल खुल जाएगी सारी की सारी। दोस्तों इसमें आया है 11.84, तो दोस्तों ये हो गया 139 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 11.77। भाई बहुत ही एक्यूरेट यार, काफ़ी एक्यूरेट मतलब एवरेज निकाला है गाड़ी ने, गुड यार, चलो सही है। मतलब मैं ऐसे ही खुश हो रहा था, मेरे को लगा क्या पता ज़्यादा देती हो एवरेज तो कम दिखाती हो। बहुत दुख हो गया। अब दोस्तों मैं पहुंच गया हूँ पिथौरागढ़ फाइनली, और हमारे शहर की वाइब्स देखो कितनी अच्छी है भाई। एक अपनापन होता है ना अपने घर पे भाई, बस वही चीज एंजॉय करता है तुम्हारा भाई भी। दोस्तों फाइनली मैं घर पहुंचने वाला हूँ बस, और इतनी एक्साइटमेंट होती है ना जब घर के सामने आप होते हो, अल्टीमेट भाई बस पहुंचने ही वाला हूँ। गुड मॉर्निंग, चलो 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 चलो, कौन है? प्रणाम प्रणाम बुआ। अरे राजा, राजा के राजा तो ये हैं। चुचू आई क्या? चलो अभी चलते हैं, दो मिनट बस। चलो जी चलो, घुमा 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 घुमा, आज आज बे तू आ जाओ आ जाओ, इतना अच्छा लगता ना। हाँ लो बाबू, इतना इच्छा है पापा के साथ जाने के लिए। दो मिनट छोड़ना, बच 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 बच, लिस्ट लगा दूं। मैं उनको घुमाने के लिए ला गया हूँ इनकी फेवरेट जगह पे, और देखो इधर से मेरा सीज़न मेरे को फंसा दिया, इधर से इसने फंसा दिया। चूहा ना बहुत शैतान है यार, पर यार मैं बहुत थक गया हूँ, पर इतना सुकून मिल रहा है ना ऐसे यहाँ पे आके, ठंडा ठंडा सा हो रहा है यहाँ पे, एनवायरनमेंट इतना अच्छा सा हो रहा है, मस्त एकदम। चिंटी चिंटी, हमारा भाई घर वापस आया है ससुराल से, तो होटल मैनेजमेंट कर रहा है, और मैं आ गया चिंटू से मिलने। आजकल गोष्ठी और इसका पंगा होगा ना खतरनाक वाला, पता लगा इधर को भाई लड़ रहे हैं आपस में, पसंद ही नहीं है एक दूसरे की शक्ल ही पसंद नहीं है। मैक्स के साथ इशू नहीं है, वो उसके साथ लियो के साथ कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं यार, घर आते ही बॉल आ गई है। चलो जागो दी, आ गई बॉल आ गई। गोश्त तो आराम से बैठ गया है, ये चूहा है बस अब खेलने में ही है, तब से थक गया है गोश्त, मैं भी थक गया। और देखना बॉल उसके ऊपर डाल रहा है, ये देखो हरकत है, देखो उसकी ये हरकत है, इतनी कैसे है तू इतना शैतान, वहां से बॉल लाके उसके सर पे डाल रहा है यार। अब देखना फिर से देख, सर पे जूता रख रहा है उसके, मैक्स हरकत है सुधार ले मक्कू, क्या कर रहा है, जूता उसके ऊपर जूता रख रहा है गधे, अब जूता को खेलने की चीज से बॉल लेके आओ। तो फाइनली दोस्तों मैं ऑफिस पहुंच गया, और अमेजोन से मैंने कुछ सामान मंगाया था, तो मैं आपको खोल के दिखाता हूँ क्या क्या है। सो मैंने मंगाए हैं सबसे पहले ये बल्ब, ये बल्ब दोस्तों क्या होते हैं, ये आपके प्लांट्स को अंधेरे में भी ग्रो करने में हेल्प करते हैं बेसिकली, ये देख रहा हूँ स्पेक्ट्रम लाइट का, तो इसमें वो लाइट्स होती हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करती है। तो एक में लाइट लगाऊंगा यहाँ पे, एक लाइट में लगाऊंगा यहाँ पे, क्योंकि ये प्रॉपर आउटडोर प्लांट है, ये बोगनवेलिया है, तो इसके लिए हमें लाइट चाहिए, धूप चाहिए बहुत ज़्यादा, तो इसके ऊपर रहेगी एक लाइट वहाँ रहेगी। अगर सक्सेसफुल रहा तो फिर एक लाइट मैं इस कोने में भी लगा दूंगा, क्योंकि ये वाले जो प्लांट्स हैं इनको थोड़ी कम धूप मिलती है, रोशनी मिलती है बट कम धूप मिलती है। आई लव माई प्लांट्स। दूसरा मैंने मक्कू के लिए मंगाया था, देखो इसे बोलते हैं स्लो ईटिंग बॉल, ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है इसमें ऐसे ऐसे ये उभरे हुए हैं, ये देख रहे हो आप, ये उभरे हुए हैं, तो इसमें ना खाने से बीच बीच में डलता है, तो डॉग ना सीधे गल्प नहीं कर पाता, थोड़ा सा उसको सांस लेने का मौका मिल जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये मैंने मक्कू के लिए मंगाया है।